भरोसा जरूर करना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। भारत जी, अपने भी तो इंसान होते हैं ना। आई डोंट अंडरस्टैंड सिमा, कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। प्रियांश और क्या करे, उसने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सबको बता दिया। हम उसके पेरेंट्स से मिलने वाले हैं, और वो बेचारा क्या करे। और अरब जी, वो सिमर बहू, अरब बेटा, बड़ी माँ आप दोनों को नीचे बुला रही हैं। आज कुछ नया ट्राई किया, अच्छा लगा। जानते हैं मिस्टर कपूर, अगर हम पहले वाली गीतांजलि देवी और सवाल होते तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। बदलाव को अपनाने के लिए बढ़ावा हमें हमारी सिमर ने दिया, इसीलिए कुछ भी नया हो हम एक बार ट्राई जरूर करते हैं। हमारी रीमा बहू, हमारी सिमर बहू के नजरिए से हम आज की पीढ़ी के सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अच्छा लगता है। बढ़ती उम्र का एहसास कम होता है, हमें लगता है कि हम अपने घर परिवार, अपने बच्चों के ज्यादा करीब आ रहे हैं। तो इशिता बेटा, इस घर में आने से पहले कुछ सीखने के साथ साथ सिखाने के लिए भी तैयार रहना। क्या पता तुम्हारी इस झटपट चाय के साथ हम कुछ और भी सीख लें। सिमर बेटा, हम इशिता को एक अपनी तरफ से तोहफा देना चाहते हैं। हमारी अलमारी में है ना, वो डिबिया ले आओ। जी बड़ी माँ। रियांश, लल्ला, तुम तो पूरी जिंदगी के लिए अपने सिमर भाप्स के एहसान मंद हो गए, क्योंकि इशिता का सच तो उसी ने पकड़ा। बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज इशिता से मिलकर हमें यकीन हो गया है कि वो हमारे लल्ला, हमारे सबसे प्यारे पोते के लिए बिल्कुल सही जीवन साथी साबित होगी। काव्या, I'm so sorry, काव्या, घर में इतना सब कुछ चल रहा है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने ही भूल गई। आज क्लास नहीं हो पाएगी, तुम प्लीज बच्चों को इन्फॉर्म कर दोगी ना। I'm really sorry। ठीक है, मैं बता दूंगी। वैसे तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं देख, कुछ नहीं, मैं जाती हूँ। आरव, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे दिल में कोई आरव की जगह ले सकता है, लेकिन देखो तुम्हारे छोटे भाई ने आते ही हमारे दिल में एकदम टॉप की जगह बना ली है। छोटों की जगह तो हमेशा टॉप पर रहनी चाहिए। क्या भाई, इन-लॉज के सामने तो नहीं? सिमर, तुम्हें तो पता होगा ना रियांश भैया का कमरा कहाँ है? नहीं, एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तुम इसे नहीं पहचानती? नो। सिमर यहाँ बेटा। ये हमारी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद। ये मेरे लिए बड़ी माँ? बिल्कुल, लो। थैंक यू। जीती रहो। रीमा, यहाँ बेटा। सिमर, विवान, हमारे तीनों पोता बहुओं के साथ एक फोटो तो लेना। हाँ बड़ी माँ। ये तीनों हमारे भविष्य की खुशियों की, उम्मीदों की और विकास का प्रतीक है। इशिता के आने से हमारी नई पीढ़ी पूरी हुई और हमारे ओसवाल खानदान का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो फोटो तो बनती है ना? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। लो।
फाइल। सिमर, रियांश के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हें देकर हमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमारा लल्ला बहुत ही नटखट और बदमाश है। उसका सच कोई नहीं पकड़ सकता था तुम्हारे अलावा। तुम बेकार में घबरा रही थी कि कैसे होगा। देखो कितने सलीके से तुमने ये रिश्ता जोड़ दिया। हमें एक बार फिर तुम पर बहुत गर्व है। कभी कोई गलती नहीं कर सकती। बड़ी मां, क्या मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ? किन के कर्म इतने जोर शोर से बोलते हो, उन्हें जुबान से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हम समझ सकते हैं तुम क्या कहना चाहती हो, हमें सब पता है। बड़ी मां, हाँ, हमें रियांश और इशिता का रिश्ता मंजूर है। और ये शादी जल्द होगी। मिस्टर कपूर, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। हम पंडित जी को बुलाकर एक शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी। लेकिन बड़ी मां, मुहूर्त निकलवाने से पहले थोड़ा और सोच लेते हैं ना, क्या चलती है? सिमर, तुम कहना क्या चाहती हो? सब हरिभ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि शादी की बात है, दो लोगों के फ्यूचर की बात है, तो अगर सबको थोड़ा और सोचना है तो सोच सकते हैं। ओहो सिमर, आई कैन अंडरस्टैंड। रियांश के लिए लड़की को ढूंढने को लेकर मैं तुमसे नाराज थी, ऊपर से रीमा को भी तुमसे आगे निकलना था। इसी बीच हम सबके बीच में थोड़ी नोकझोंक हो गई। अरे इसी को तो परिवार कहते हैं, है ना? पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है, दोनों बच्चों की खुशी। और देखो दोनों के चेहरों से उनकी खुशी साफ नजर आती है। और अब तो बड़ी माँ ने भी हां बोल दी है। सिमर, ईशिता से बेहतर मेरे रियाज के लिए और कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। ऑल थैंक्स टू यू बेटा। तुम ये सोचना बंद करो, इतना नहीं सोचते। चलो खुशी खुशी तुम भी हम दोनों को अपना लो। लेकिन चाची जी, मेरी बात। इशिता, वेलकम टू द फैमिली बेटा। थैंक यू। रियांश, इधर आओ। हमेशा खुश रहो ऐसे। आई एम सो हैप्पी। ये हुई ना बात। आरव जी, थैंक यू भाभी। जो काम मुझे और रियांश को बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, आपने इतनी आसानी से कर दिया। थैंक यू सो मच। अरे मैं तो हमेशा से कहता हूँ मेरी भाभी नंबर वन है। छोटे 2.0 की शादी होने वाली है, सबको बताइयो। बड़ी माँ, आप पूरे शहर में मिठाइयां बंटवा दें। हमारी तरफ से यस है। अब हम लोग नेक्स्ट शादी की डेट्स और सारे फंक्शंस डिस्कस करने के लिए मिलेंगे, ओके? कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। अरे ऐसे कैसे? इतना स्पेशल मोमेंट है, एक ट्रेंडिंग वीडियो तो बनता है ना? एक मिनट बेटा, ये ट्रेंडिंग वीडियो अब क्या होता है? बड़ी माँ, वो 30 सेकंड का एक वीडियो होता है जिसमें एक हुक स्टेप और एक अनाउंसमेंट करनी होती है, तो मैं सिखाती हूँ ना आपको, ठीक है? आइए आप, भाभी आप भी आइए ना। भाभी प्लीज।
रीमा भाभी आप भी आइए ना, आप वीडियो बनाएंगे। हाँ मैं बनाता हूँ ना। अब बाय बड़ी माँ, ठीक है बेटा। बाय एवरीवन, बाय भाभी। नमस्ते नमस्ते।